हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे और एक बार फिर से यहां पर हम लोग कनेक्ट हो चुके हैं बेस्ट 40 क्वेश्चंस के साथ, कंप्यूटर अवेयरनेस फॉर IBPS RRB PO एंड क्लर्क। 7 डे 7 टेस्ट की सीरीज में आज है डे 6। ये सिर्फ 40 क्वेश्चंस नहीं है, ये वही क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। सेम वही लेवल, सेम क्वेश्चंस जब एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे तो आपको ये लगना चाहिए कि पेपर नहीं दे रहे हैं, सचिन सर की क्लास अटेंड कर रहे हैं और बैक टू बैक सारे आंसर्स आपको आते हैं। तो इन सेशंस का मेन मकसद क्या है कि आप 40 क्वेश्चन में से 35+ क्वेश्चंस को सही कर पाए और ये कह पाए कि सर लग तो रहा था बहुत सारा डर, लेकिन अब आपके सामने बैठे हैं अरोड़ा एजुकेटर, तो अब इस डर को दूर हो जाना चाहिए और कंप्यूटर में पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हो जाना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, इतनी मेहनत करी है तो यहां पर 40 में से 40 लाकर दिखाएंगे। और जो लोग कह रहे हैं कि कंप्यूटर में 40 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन सही नहीं हो सकते हैं, उनको ये प्रूफ करके दिखाएंगे कि अगर सचिन सर से पढ़ा है तो 40 में से 40 क्वेश्चंस भी सही हो सकते हैं। तो आइए इसी को प्रूफ करने के लिए एक बार फिर से बेस्ट 40 क्वेश्चंस के सफर पे चलते हैं और डिस्कस करते हैं इन क्वेश्चंस को। हैव अ लुक गाइस। साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, जब आप एग्जाम दें, एग्जाम देने के बाद आपको कंप्यूटर के क्वेश्चंस याद रहते हैं, जैसे कि आप हर बार एग्जाम के बाद मेरे साथ में उन क्वेश्चंस को शेयर करते हैं, वैसे ही एक रिमाइंडर के तौर पर मैं आपको यहां पर बता दूं कि आपको फिर से, आप सभी लोगों को जो भी क्वेश्चन कंप्यूटर के याद रहे एग्जाम देने के बाद विद ऑप्शंस या विदाउट ऑप्शंस, आप इस व्हाट्सएप नंबर पे शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि 40 क्वेश्चन किसी एक पर्सन के लिए याद रख पाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जब आप सब लोग हमें भेजते हैं व्हाट्सएप पे क्वेश्चंस तो हमारे पास तैयार हो जाते हैं सेम टू सेम 40 क्वेश्चन और फिर हम उनकी करते हैं एनालिसिस, फिर हम आपको देते हैं एग्जाम रिव्यू और उन्हीं के बेसिस पर हम आपको पढ़ाते हैं। तो योर सक्सेस इज आर सक्सेस। टीचर हमेशा स्टूडेंट से ही मिलके बना होता है। जब आप हम तक ये बात पहुंचाते हैं कि सर ये लेवल पूछा गया, तभी हमें पता चलता है कि हाँ एग्जाम का लेवल ये हो चुका है। तो सबसे पहले आप सभी को थैंक्स कि आप सब लोग शेयर करते हैं, बताते हैं अपने फीडबैक को, और जिसकी मदद से एक टीचर अपने को इम्प्रूव करता है दिन प्रतिदिन और साथ ही साथ आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करता है। तो आप सभी को एग्जाम के बाद में इस व्हाट्सएप नंबर पे जो क्वेश्चंस पूछे गए, अगर ऑप्शंस भी याद हैं तो ऑप्शंस के साथ में आप इस व्हाट्सएप नंबर पे जरूर दे दीजिएगा। चलिए गाइस, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। यहां पर हम आपको ये भी बता दें कि वो कैंडिडेट्स जो कंप्यूटर में RBI असिस्टेंट या IBPS RRB PO क्लर्क, बैंकिंग के किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और चाहते हैं कि कंप्यूटर का एक बेस्ट कोर्स मिल जाए, बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक, बिल्कुल बेसिक से फुल मॉडरेट टू एडवांस जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब कवर हो जाएं, सारे कॉन्सेप्ट हमें आते हों, एक मूवी की तरीके से हमें सब कुछ याद रहे, चाहे पेपर कितना भी टफ हो हम कर पाए, तो आप इस कोर्स से कनेक्ट कर सकते हैं। इस कोर्स से कनेक्ट करने के लिए आपको अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर की मदद से। किसी भी कंफ्यूजन के रिगार्डिंग दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं और इस कोर्स के बारे में इंक्वायरी ले सकते हैं। यहां पर आपको वीडियोस, PDF और मॉक टेस्ट, ये तीनों चीजें मिलेंगी। तो चलिए गाइस, आज की शुरुआत करते हैं कुछ बढ़िया लेवल के क्वेश्चन से। प्रीवियस सेशन में क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था जिसका आंसर मैक्सिमम लोगों ने सही दिया है, लेकिन कुछ कैंडिडेट्स ने गलत भी दिया था। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या था। सिलेक्ट दी ऑड ऑप्शंस, ऑड विकल्प चुने, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, डेसिमल, बाइनरी या नन ऑफ दीज,
क्या होगा करेक्ट आंसर? हम जानते हैं ये सब हमारे क्या है, नंबर सिस्टम है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल, डेसिमल, बाइनरी, ये सब नंबर सिस्टम होते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आज कौन सी तारीख है, तो आप कहेंगे सर 8 तारीख है आज। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो आप हमें जिस फॉर्मेट में ये सब बता रहे होंगे वो क्या होगा? डेसिमल नंबर सिस्टम होगा। तो इसका मतलब कि हम लोग आम जिंदगी में जो नंबर सिस्टम यूज करते हैं वो डेसिमल है, जबकि कंप्यूटर के सेंस में हेक्साडेसिमल, ऑक्टल और बाइनरी का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका मतलब यहां पर जो आंसर बना दैट इज कॉल्ड डेसिमल नंबर सिस्टम। और रीजन क्या है? डेसिमल इज द नंबर सिस्टम वी यूज इन अवर डेली लाइफ्स। हम अपनी डेली लाइफ में डेसिमल का ही यूज करते हैं, हेक्सा, ऑक्टल और बाइनरी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, दैट इज द रीजन। तो चलिए आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन के ऊपर, जहां से आप अपने आप को इवेल्युएट करेंगे कि आउट ऑफ 40 आपने कितने सही किए, और ये मुझे कमेंट करके भी बताइएगा सेशन के बाद में। लेट्स हैव अ लुक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड डेटा टाइप इन एमएस एक्सेल। ये क्वेश्चन किसी वर्जन के साथ भी आ सकता है या विदाउट वर्जन भी आ सकता है, लेकिन आंसर दोनों ही केस में सेम होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एमएस एक्सेल में मान्य डेटा प्रकार नहीं है? नॉट वैलिड डेटा टाइप, नंबर, कैरेक्टर, लेबल, डेट टाइप या नन ऑफ दीज। और करेक्ट आंसर है क्या है? कैरेक्टर, क्योंकि कैर होता है डेटा टाइप, कैरेक्टर नहीं होता है। तो यहां पर आंसर हो गया कैरेक्टर इज नॉट अ वैलिड डेटा टाइप बिकॉज कैर इज अ वैलिड डेटा टाइप। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मूव एन एक्टिव सेल टू द फर्स्ट कॉलम ऑन द करेंट रो। किसी सक्रिय सेल को वर्तमान पंक्ति के पहले कॉलम में ले जाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? पेज अप, कंट्रोल प्लस होम, पेज डाउन, होम या फिर नन ऑफ दीज, बताइए। अब इस क्वेश्चन में हमने देखा सबसे पहले फर्स्ट कॉलम, पहला कॉलम, तो कॉलम वो भी पहला, तो हम होम प्रेस करेंगे। अब या तो ऑप्शन फोर्थ होगा होम या कंट्रोल प्लस होम होगा। तो आपको पता होना चाहिए एक्सेल में फर्स्ट कॉलम ऑन द करंट रो में आने के लिए हम किसका यूज करते हैं गाइस? कंट्रोल प्लस होम। पहले कॉलम में ले जाने के लिए कंट्रोल के साथ होम होगा करेक्ट जवाब। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट नंबर्स ऑफ वर्कशीट इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में वर्कशीट की डिफॉल्ट संख्या निम्नलिखित में से कौन सी है? ये क्वेश्चन मैंने आपको बहुत बार करवाया है, लेकिन इस क्वेश्चन में ट्विस्ट है। यहां पर कोई भी वर्जन नहीं दिया हुआ है। हम जानते हैं पुराने वाले वर्जन के लिए 3 होता है आंसर, क्योंकि पुराने वाले वर्जन्स में बाय डिफॉल्ट जो वर्कशीट है वो 3 होती हैं, और नए वाले वर्जन्स में बाय डिफॉल्ट कितनी है? 1। अब आंसर क्या लगाएं, 3 लगाएं या 1 लगाएं, क्योंकि वर्जन तो दिया ही नहीं है। इस केस में हमेशा आंसर पुराने वर्जन के अकॉर्डिंग आप लगाएंगे, दैट इज 3। अब ये मत पूछ लीजिएगा कि सर ऐसा क्यों, होता यही है। इसका मतलब ये है, अगर आप पूछना ही चाहते हैं कि सर बता ही दीजिए कि 1 क्यों नहीं लगाया, क्योंकि 1 होना चाहिए था बेसिकली। इसके पीछे का रीजन बहुत सिली है। रीजन ये है कि अगर वो इस क्वेश्चन को किसी वेबसाइट से या किसी बुक से कॉपी पेस्ट कर रहे होंगे तो वहां वर्जन नहीं होगा, और अगर कहीं से कॉपी पेस्ट करके उन्होंने दिया होगा तो हमेशा करेक्ट आंसर वो क्या मानेंगे? 3 मानेंगे, 1 नहीं मानेंगे। समझ में आ गया? तो ये याद रखिएगा। अब अगर वर्जन के साथ दिया हो तो क्या करेंगे, एक बार देख लीजिए। 2003, 2007, 2010, इन तीनों वर्जन्स में क्या होगा? 3 बाय डिफॉल्ट वर्कशीट होगा, जबकि 2016 से लेकर 365 यानी 2016, 2019, 2021 और 365 वर्जन में
बाय डिफॉल्ट वर्कशीट कितनी है? 1 है। तो वर्जन्स के साथ भी याद रखिएगा और विदाउट वर्जन क्या होगा? 3 होगा, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, स्टार्टिंग लेटर ऑफ द कॉलम इज ए, व्हाट वुड बी द एंड लेटर इन एमएस एक्सेल 365? कह रहा है कॉलम का प्रारंभिक अक्षर ए है, एमएस एक्सेल 365 में अंतिम अक्षर क्या होगा? अगर ए पहला है तो लास्ट वाला क्या होता है गाइस? XFD, यानी थर्ड इज द करेक्ट आंसर। और ये क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और आएगा ही आएगा, ये मान के चलिए, है ना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट वन, XFD लास्ट वन। नेक्स्ट, व्हाट लोकेशन वुड बी डिस्क्राइब्ड बाय द सेल E12 इन एमएस एक्सेल 365? ये किसी भी वर्जन के साथ में पूछा जाए, आंसर सेम होगा। एमएस एक्सेल 365 में सेल E12 द्वारा किस स्थान का वर्णन किया जाएगा? हम जानते हैं कि सेल का जो नाम होता है, जो दिया हुआ है E12, इसमें E क्या है और 12 क्या है, तो शुरुआत में होता है कॉलम और बाद में होती है रो। कॉलम रो, तो इसका मतलब E है कॉलम और 12 है रो, तो आंसर तो मिल गया हमें, यानी कॉलम फॉर ई ऑन रो 12, यानी फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। नेक्स्ट, द फर्स्ट यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वॉज रिटन इन दी विच ऑफ दी फॉलोइंग लैंग्वेज? पहला, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया था? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक मल्टी यूजर मल्टी टास्किंग है, यूनिक्स को एडवांस करके लाइनेक्स बनाया गया, यूनिक्स को बनाने वाले हैं मिस्टर केन थॉमसन। किसने बनाया यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम? केन थॉमसन जी के द्वारा। और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जिस लैंग्वेज में लिखा गया वो है असेंबली लैंग्वेज। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, असेंबली लैंग्वेज। नेक्स्ट, बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसलेट एंड एग्जीक्यूट प्रोग्राम एट रन टाइम लाइन बाय लाइन? निम्नलिखित में से कौन प्रोग्राम को रन टाइम पर लाइन दर लाइन अनुवादित और निष्पादित करता है? तो हम जानते हैं ऑल एट वंस, एक साथ करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपाइलर की होती है, और लाइन बाय लाइन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटरप्रेटर की होती है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है। आपकी पार की नजर और निर्मा सुपर दोनों को। नेक्स्ट, इफ अ वर्ड इज टाइप्ड दैट इज नॉट इन दी वर्ड्स डिक्शनरी, अ वेवी अंडरलाइन अपीयर्स बिलो दी वर्ड ऑफ विच कलर? यदि कोई शब्द टाइप किया गया जो वर्ड के शब्द कोश में नहीं है, तो किस रंग के शब्द के नीचे एक लहरदार रेखांकन दिखाई देता है? आपने कोई ऐसा वर्ड टाइप किया जो कि कंप्यूटर की डिक्शनरी में नहीं है, तो वो किस कलर की लाइन से शो होगा? ब्लू, येलो, रेड, ग्रीन या नन ऑफ दीज? करेक्ट आंसर है लाल, यानी रेड कलर से वो होगा शो। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रेड, यानी लाल। इन एक्सेल एनी सेट ऑफ कैरेक्टर्स कंटेन अ लेटर हाइफेन और स्पेस इज कंसीडर्ड। बताइए एक्सेल में किसी अक्षर हाइफन या स्पेस वाले वर्णों के किसी सेट पर विचार किया जाता है, तो इसे क्या बोलते हैं? एक्सेल में अगर लेटर की बात करें, हाइफन की बात करें या स्पेस की बात करें, तो ये सब क्या हैं? ये सब टेक्स्ट कंसीडर किए जाते हैं। तो आंसर होगा टेक्स्ट, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज दी राइट वन। नेक्स्ट, विच ऑफ दी फॉलोइंग फॉर्मूलाज विल एक्सेल नॉट बी एबल टू कैलकुलेट? आएगा ही आएगा क्वेश्चन, अगेन IBPS का वन ऑफ दी फेवरेट क्वेश्चन है, पूछते जरूर हैं अपने एग्जाम में, है ना, सिर्फ बैंकिंग नहीं, बहुत सारे एग्जाम्स IBPS कंडक्ट करवाता है और वहां पर ये वन ऑफ दी फेवरेट क्वेश्चन भी रहता है गाइस। बताइए
अब यहां पर याद रखिएगा, वैसे मैंने आपको कई बार ये क्वेश्चन करवाया भी हुआ है, तो आप अगर रेगुलर सेशंस देख रहे हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि पहला वाला ऑप्शन यहां पर करेक्ट है, जो कि सही फॉर्मूला नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सेल्स की कोई वैल्यू डिफाइन नहीं है और ये करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। तो फर्स्ट इज दी इनकरेक्ट वन, वेयर एज रेस्ट इज दी करेक्ट वन। तो विच ऑफ दी फॉलोइंग फॉर्मूला विल एक्सेल नॉट बी एबल टू कैलकुलेट? दिस वन नॉट एबल टू कैलकुलेट। नेक्स्ट, विच अमंग दी फॉलोइंग इज अ वैलिड सेल एड्रेस इन एमएस एक्सेल 365? निम्नलिखित में से कौन सा एमएस एक्सेल 365 में एक वैध सेल पता है? बताइए। देखिए, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, पावर पॉइंट से क्वेश्चन बहुत बनेंगे जिसमें एमएस एक्सेल की वेटेज सबसे ज्यादा है। तो जरा बताइए इसमें सही आंसर क्या होगा। हम जानते हैं वैलिड सेल एड्रेस हम किसको बोलते हैं, जिसकी शुरुआत कॉलम से होगी और फिर रो होगा। तो कॉलम किससे इंडिकेट करते हैं? अल्फाबेट से। रो को करते हैं नंबर से, यानी D6 इज दी करेक्ट वन। तो ऑप्शन नंबर 3 होगा वैलिड वन। नेक्स्ट, व्हेन इंटीग्रेटिंग एमएस वर्ड एंड एक्सेल, वर्ड इज यूजुअली दी। एमएस वर्ड और एक्सेल को एकीकृत करते समय वर्ड आमतौर पर होता है क्या? जब हम एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल को इंटीग्रेट कर रहे होते हैं, यानी मिला रहे होते हैं, मर्ज कर रहे होते हैं, तो इस समय एमएस वर्ड क्या है? इस समय एमएस वर्ड एक क्लाइंट है और एक्सेल एक सर्वर है, क्योंकि जो जो मिलता है जाकर वो हमेशा रिक्वेस्ट करता है मिलने की। तो यहां पर रिक्वेस्ट कौन करेगा? एमएस वर्ड। तो करेक्ट आंसर क्या है? दैट इज क्लाइंट। याद रखिएगा ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट, विच एमंग दी फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ यूनियन टाइप सेल रेफरेंस इन एक्सेल? निम्नलिखित में से कौन एक्सेल में यूनियन प्रकार सेल संदर्भ को प्रतिनिधित्व करता है? अब हमने देखा सेल रेफरेंस, हमें याद आ गया कि सचिन सर ने बताया था सेल रेफरेंसिंग 3 तरीके की होती है। कौन कौन सी? रिलेटिव, एब्सोल्यूट और मिक्स्ड। सचिन सर ने यह भी बताया हुआ है क्या कि सेल रेफरेंसिंग को जिस सिंबल से इंडिकेट करते हैं वो क्या है? डॉलर है। और डॉलर का मतलब या तो रो को फिक्स करेंगे या कॉलम को, या दोनों को फिक्स कर देंगे। तो रो या कॉलम को फिक्स करने के लिए डॉलर सिंबल का यूज करते हैं सेल रेफरेंसिंग में। साथ ही साथ आप लोग ये भी जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो नोट कर लीजिए, सेल रेफरेंसिंग में यूनियन करने के लिए कॉमा का यूज किया जाता है। सेल रेफरेंसिंग में यूनियन करने के लिए कॉमा का यूज करते हैं। तो क्या कहीं पर कॉमा दिख रहा है? दिख रहा है ऑप्शन नंबर 3 में, A10 कॉमा A20 सही आंसर होगा थर्ड। तो देखिए, यूनियन, सेल रेफरेंसिंग और आंसर लगा दीजिए कॉमा, यानी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2021 यूजेस द डैश फॉन्ट एंड डैश पॉइंट फॉन्ट साइज एज दी डिफॉल्ट सेटिंग। ये गलत बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एमएस वर्ड 2021 डिफॉल्ट सेटिंग्स के रूप में डैश फॉन्ट और डैश बिंदु फॉन्ट आकार का उपयोग करता है। आप कहेंगे सर आपने तो कह दिया गलत मत करिएगा, तो हम क्या जानबूझ के गलत कर रहे हैं? हम जानते हैं कि आप गलत नहीं करते हैं, आप पूरी कोशिश करेंगे कि सही हो, है ना। लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है, तो इसको याद रख लीजिएगा प्लीज, है ना। क्या है ये क्वेश्चन, आइए देखते हैं क्या रहा है। लेटेस्ट वाले वर्जन की अगर बात करें तो वहां पर बाय डिफॉल्ट फॉन्ट क्या है? एमएस वर्ड में आपको पता होना चाहिए ये है कैलिब्री। और साइज क्या हो चुका है? साइज हो चुका है 11। तो करेक्ट आंसर होगा कैलिब्री और 11 पॉइंट, यानी ऑप्शन नंबर 5th इज दी राइट वन। जबकि पुराने वाले वर्जन्स के केस में, 2003 वाले की अगर हम बात करें, तो इस केस में क्या हुआ करता था? ओल्ड वर्जन में टाइम्स न्यू रोमन था और साथ में जो पॉइंट थे वो 12 पॉइंट थे। तो नए वाले के केस में हमेशा कैलिब्री के साथ 11 पॉइंट, जबकि ओल्डर वर्जन के केस में हमेशा
टाइम्स न्यू रोमन के साथ 12-point फॉन्ट का साइज था। नेक्स्ट, द न्यूमेरिक डेटा एंटर्ड इन द वर्कशीट इज अलाइंड बाय डिफॉल्ट। वर्कशीट में दर्ज संख्यात्मक डेटा डिफॉल्ट रूप से संरेखित होता है। जरा सोचो एक बार, एमएस एक्सेल में नंबर्स किस तरफ होते हैं? राइट साइड। टेक्स्ट कहां होता है? लेफ्ट साइड। तो नंबर्स के लिए क्या होगा? राइट। और आप हैं बिल्कुल राइट, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगर यहां पर न्यूमेरिक की जगह पर टेक्स्ट दिया होता कि दी टेक्स्ट डेटा एंटर्ड इन दी वर्कशीट, तो आंसर हो जाता लेफ्ट साइड। ठीक, नेक्स्ट लीजिए। विच ऑफ दी फॉलोइंग इज दी लेटेस्ट वर्जन ऑफ एमएस वर्ड? निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड का नवीनतम संस्करण है? बताइए, एमएस वर्ड 2019, 2019, 2020, 2021, 2022 या 365? ऑफलाइन वर्जन की बात करें तो 2021 है, 2021 है, पर अगर ऑनलाइन वर्जन की बात करें तो 365 है। क्या लगाएं, क्या लगाएं? 2021, 365, बिल्कुल सही, क्योंकि यहां पर ये मेंशन ही नहीं है कि ऑफलाइन की बात हो रही है कि ऑनलाइन वर्जन की, तो आंसर हो जाएगा 365, यानी एमएस वर्ड 365 इज दी करेक्ट वन। नेक्स्ट, The font size of 36-point in MS Word 2007 is equal to how many inches? MS Word 2007 में 36-point का font आकार कितने इंच के बराबर है? अगर ये आ जाता तो कुछ लोग छोड़ के चले आते, मुझे पता है, लेकिन ये बहुत आसान है। कैसे? आइए सिखाते। जो भी point दिया हो उसको डिवाइड कर दीजिए 72 के साथ और आ जाएगा चमचमाता हुआ आंसर। समझ में आ गया? तो शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है, जो भी पॉइंट दिया हो नंबर्स में 72 के साथ में डिवाइड कर दीजिए, आंसर घर ले जाइए। तो आप बताइए आंसर क्या आएगा? वेरी गुड, द आंसर इज 0.5, क्योंकि एक पॉइंट बराबर होता है 1/72 के। तो कितने भी पॉइंट्स गिवन हो, 36 पॉइंट, इसका मतलब 36 / 72, दैट इज 0.5। तो कितने भी पॉइंट गिवेन हो बस 72 से डिवाइड कर दीजिएगा और इस क्वेश्चन का जो पॉइंट मिलेगा वो अपने घर ले जाइएगा। नेक्स्ट, अ कंप्यूटर वायरस दैट वाज रिलीज्ड ऑन 19th जनवरी 1986 एंड कंसीडर्ड टू बी द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस फॉर द पर्सनल कंप्यूटर इज? कह रहा है एक कंप्यूटर वायरस जो 19 जनवरी 1986 को जारी किया गया और इसे पर्सनल कंप्यूटर के लिए पहला कंप्यूटर वायरस माना जाता है, क्या होगा आंसर? बड़ा लोचा है यहां पर, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है कि पहला वायरस है क्रीपर वायरस, लेकिन क्रीपर तो दिया ही नहीं हुआ है, तो क्या होगा? मैंने आपको यह भी तो बताया है कि पहला बूट सेक्टर वायरस है ब्रेन, तो आंसर क्या लगा दीजिए? पहला कंप्यूटर वायरस पीसी यानी प्रियंका चोपड़ा नहीं, पर्सनल कंप्यूटर के लिए 19 जनवरी 1986 को लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? पाकिस्तानी ब्रदर्स के द्वारा, अमजूत अलवी और फरूक अलवी के द्वारा, दैट इज ब्रेन। नेक्स्ट, व्हाट इज द यूज ऑफ शिफ्ट प्लस F5 शॉर्टकट की? शिफ्ट F5 शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किस लिए करते हैं? गलत बताया तो पाप पड़ेगा आपको, बताओ। आप जानते हैं बात प्रेजेंटेशन की हो रही है, यानी पावर पॉइंट की हो रही है ना, हमें ऑप्शन से पता चल गया। F5 की मदद से तो हम पहली स्लाइड से ओपन करते हैं, लेकिन शिफ्ट F5 की मदद से करंट स्लाइड से। तो यहां पर आंसर क्या होगा गाइस, बताइए? स्टार्ट स्लाइड शो फ्रॉम दी करेंट स्लाइड। शिफ्ट F5 में क्या होगा, करेंट स्लाइड से हम स्लाइड शो को स्टार्ट करेंगे, जबकि शिफ्ट की अगर शिफ्ट नहीं दिया होता तो आंसर क्या होता, स्टार्ट अ प्रेजेंटेशन फ्रॉम दी बिगनिंग।
अगर सिर्फ F5 दिया होता तो ऑप्शन नंबर 3 होता, क्योंकि दिया हुआ है शिफ्ट प्लस F5, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 5th, स्टार्ट स्लाइड फ्रॉम दी करंट स्लाइड, है ना। अब देखो यहां पर गलत हो गया, है ना, इसका आंसर थर्ड नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, फिफ्थ होना चाहिए, क्योंकि अगर सिर्फ क्वेश्चन में F5 दिया होगा तो सही आंसर क्या होगा, थर्ड, स्टार्ट अ प्रेजेंटेशन फ्रॉम द बिगनिंग, लेकिन यहां पर शिफ्ट F5 दिया है तो इसका आंसर क्या होना चाहिए था, फिफ्थ वन, स्टार्ट स्लाइड शो फ्रॉम द करंट स्लाइड, जिस स्लाइड से हम शुरू करना चाहते हैं उससे शुरू होगा, चाहे वो तीसरी हो चाहे वो पांचवी स्लाइड हो, तो इसका आंसर क्या होगा गाइज, ऑप्शन नंबर 5th इज द करेक्ट वन, 3rd इज द इनकरेक्ट वन। नेक्स्ट, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू हाइड द एंटायर रो इन एमएस एक्सेल 365, बताइए। एमएस एक्सेल 365 में पूरी पंक्ति को छिपाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है, हाइड करने की, हमने आपको बताया है। रो की अगर बात होगी तो हम क्या बोलेंगे, रोना नहीं है, रोना नहीं है, नहीं मतलब नो, नो मतलब नाइन, यानी कंट्रोल प्लस नाइन इज द करेक्ट आंसर। और हाइड द एंटायर कॉलम की बात होती तो जीरो लगा देते, कॉलम होता तो कंट्रोल प्लस जीरो, और यहां पर क्या दिया हुआ है गाइस, हाइड द एंटायर रो, तो आंसर क्या होगा, कंट्रोल प्लस नाइन। नेक्स्ट बताइए, कह रहा है व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू एड अ न्यू रो अबव अ गिवन रो इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में दी गई पंक्ति के ऊपर एक नई पंक्ति जोड़ने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है, ऊपर की तरफ जोड़नी है, ऊपर कहां, ऊपर मत देखिए, यहां देखिए, है ना, सर के ऊपर थोड़ी ना जोड़नी है, लेकिन ऊपर मतलब हवा, आपके ऊपर क्या है, हवा है, और हवा को क्या बोलते हैं, एयर, एयर का मतलब मिल गया आंसर, ऑल्ट आई आर। तो इसको याद करने की सबसे बढ़िया ट्रिक क्या है, एड अ न्यू रो अबव अ गिवन रो, अबव का मतलब ऊपर, ऊपर है हवा, हवा मतलब एयर, एयर मतलब ए आई आर, और ऑल्ट आई आर इज द करेक्ट वन, अब तो याद रहेगा, वेरी गुड। विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ यूजर हु रिटर्न टू अ वेबसाइट, निम्नलिखित में से किसको उपयोग किसी वेबसाइट पर लौटने वाले उपयोगकर्ता की पहचान करने के लिए किया जाता है, रिटर्न अ वेबसाइट, इसका मतलब कि कोई ऐसा है जो जानकारी रख रहा है बिना हमारी परमिशन के, और इसे क्या बोलते हैं गाइस, कि इंटरनेट पर कुछ भी हम कर रहे हैं और कोई देख रहा है, कोई इंफॉर्मेशन को हमसे ले रहा है, बिल्कुल सही, कुकीज है सही जवाब, क्योंकि कुकीज सेंड कौन कर रहा है, सर्वर, स्टोर कहां पर हो रही है, ब्राउजर यानी क्लाइंट में, और वापस कौन ले जा रहा है, सर्वर, बिना हमारी परमिशन के, और कुकीज सर्वर साइड प्रोग्रामिंग में ही यूज की जाती है, प्रीवियस वाले सेशन में मैंने आपको बताया था कि कुकीज का इस्तेमाल किया जाता है एज अ सर्वर साइड प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट, विद द हेल्प ऑफ डैश अ यूजर कैन आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ अ फाइल, डैश की सहायता से उपयोगकर्ता फाइल के प्रकार की पहचान कर सकता है। मैंने देखा आइडेंटिफाई, फाइल को आइडेंटिफाई करने के लिए किसका यूज करते हैं, कि वो फाइल नोटपैड की फाइल है, कैसे पता चलेगा, उसके एक्सटेंशन से, वो फाइल एमएस वर्ड की है, कैसे पता चलेगा, उसके एक्सटेंशन से, यानी करेक्ट आंसर होगा फाइल एक्सटेंशन। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इंपैक्ट प्रिंटर, निम्नलिखित में से कौन इंपैक्ट प्रिंटर का उदाहरण नहीं है, बताइए। इसका मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है नॉट इंपैक्ट प्रिंटर, यानी वो इंपैक्ट प्रिंटर तो नहीं है, यानी वो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है, और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर कौन सा है, थर्मल है, इंकजेट है, लेजर है, तो क्या थर्मल दिया है, नहीं, इंकजेट दिया है, नहीं, लेजर मिल गया, लगा दो आंसर, बल्ले बल्ले, आगे बढ़ते हैं। मैच दी कॉलम आएगा जरूर, है ना, कोई ना कोई क्वेश्चन मैच दी कॉलम से जरूर मिलेगा, जरा बताओ मुझे,
ब्लूटूथ को किसके साथ लगा दी, एनोनिमाइजर या एनोनिमस मान लीजिए, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पेयरिंग या टॉरेंट। हम जानते हैं ब्लूटूथ के केस में हमेशा पेयरिंग होती है ना, जब भी आपने ब्लूटूथ से कभी कनेक्ट किया होगा तो वहां पे पेयरिंग होती है, तो लगा दो भाई, ब्लूटूथ मतलब पेयरिंग। ठीक है, आगे देखते हैं। पी टू पी का मतलब क्या? पी पानी पी या चाय पी? ना ना, पी टू पी का मतलब है पियर टू पियर। पियर मतलब दोस्त, दोस्त से दोस्त, हर एक दोस्त जरूरी होता है ना, हर एक फ्रेंड जरूरी होता है, तो पी टू पी का मतलब हो गया टॉरेंट। यू टॉरेंट का शायद आपने नाम सुना होगा है ना, अगर आप बड़े शरीफ किस्म के होंगे तो नहीं सुना होगा, लेकिन आप कंप्यूटर में खुराफाती होंगे तो आपने यू टॉरेंट का नाम काफी सुना होगा। और यू टॉरेंट किसका यूज करता है? पी टू पी का, यानी पीयर टू पीयर टेक्नोलॉजी का। टॉर क्या है? आप जानते हैं टॉर एक ब्राउजर है, दी अनियन राउटिंग के नाम से जाना जाता है, और एक एनोनिमस ब्राउजर है। एनोनिमस का मतलब कि यहां पर कुछ भी ब्राउजिंग करेंगे किसी को पता नहीं चलेगा कि मैंने क्या देखा, मैंने क्या सर्च किया, कोई हिस्ट्री मेंटेन नहीं होगी, कोई कुकीज काम नहीं करेगी, तो ऐसे ब्राउजर को बोलते हैं टॉर ब्राउजर। तो टॉर क्या है? छुपके काम करता है, यानी एनोनिमाइजर। एनोनिमस मतलब गुप्त रूप से, है ना। व्हाट डू मीन बाय एनोनिमस? जो अपनी नाम या अपनी पहचान को छुपा ले, दैट इज कॉल्ड एनोनिमस। बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, और बायोस का मतलब है क्या बचा? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, यानी जब हम पोस्ट करते हैं, सिस्टम को ऑन करते हैं, तो बायोस एक्टिवेट हो जाता है। सब मिल गए हमें, तो आंसर हो गया पहला, 1 का C, 2 का D, 3 का A, 4 का B। आगे बढ़ो, वीर तुम बढ़े चलो। डैश इज अ सर्च इंजन क्रिएटेड बाय गैब्रियल वेन्सबर्ग इन 2008। द सर्च इंजन इज डेडिकेटेड टू दी ऑनलाइन प्राइवेसी ऑफ इट्स यूजर। बताओ क्या होगा? क्या कह रहा है? डैश गैब्रियल विनबर्ग द्वारा 2008 में बनाया गया एक सर्च इंजन है। ठीक है, यह सर्च इंजन अपने उपयोगकर्ताओं की ऑनलाइन गोपनीयता के लिए समर्पित है। मिल गया आंसर, गैब्रियल विन्सबर्ग के द्वारा बनाया गया सर्च इंजन है डक डक गो, जो कि प्राइवेट है। तो आंसर क्या होगा? डक डक गो हो जाएगा। नेक्स्ट, इट इज अ नेटवर्क ऑफ 3D वर्चुअल वर्ल्ड्स फोकस्ड ऑन सोशल कनेक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी चर्चा में भी रहा है ये। तो यह है सामाजिक जुड़ाव पर केंद्रित 3D आभासी दुनिया का एक नेटवर्क है। टेक्नोवर्स, डिजीवर्स, ओमनीवर्स, मेटावर्स या ऑल ऑफ दीज? फेसबुक यानी मेटा कंपनी ने इसकी शुरुआत की थी, है ना, हाल ही में बड़ा प्रचलित भी हुआ है, फेमस हुआ ये। दैट इज कॉल्ड मेटावर्स, यानी ऑप्शन नंबर 4th इज दी राइट वन। अब ये मेटावर्स है क्या? तो यहां पर जुकरबर्ग भाई साहब ने कहा है कि सुनो बेटा, ऐसा करने वाले हैं कुछ आगे वाले समय में कि एक वर्चुअल क्लासरूम तरीके का होगा, यानी सचिन सर आपके रूम पर आके पढ़ाने वाले हैं आपको, सर आप हमारे रूम पर आके पढ़ाएंगे, ऐसा ही होगा वर्चुअल दुनिया में। आपको लगेगा कि सचिन सर आपके सामने बैठे हुए हैं, बढ़िया है ना, और आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप अगर कॉफी या चाय पिलाएंगे सचिन सर को तो सचिन सर पिएंगे नहीं, क्योंकि वो वर्चुअल दुनिया से वहां पर अवेलेबल है, फिजिकली अवेलेबल नहीं है, है ना। तो दैट इज कॉल्ड मेटावर्स की दुनिया। नेक्स्ट, अ ब्लैक हैट हैकर और इज अ हैकर हु अटेम्प्ट टू एक्सेस अ कंप्यूटर विदाउट ऑथराइजेशन फॉर मेलिशियस पर्पस। कह रहा है ब्लैक हैट हैकर, जिसको क्या बोलते हैं? तो ब्लैक हैट हैकर का दूसरा नाम अगर आपको पता होगा तो आंसर आपको मिल गया होगा, बिल्कुल सही, ब्लैक हैट हैकर को क्रैकर भी बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर हो गया क्रैकर। ब्लैक हैट हैकर या क्रैकर एक हैकर है जो दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य के लिए प्राधिकरण के बिना कंप्यूटर तक पहुंचने का प्रयास करता है। क्या है ये? क्रैकर। अब एक कंफ्यूजन आया, सर ये बताइए कि हैकर और क्रैकर में क्या डिफरेंस है?
है ना, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आइए जानते हैं हैकर और क्रैकर में क्या डिफरेंस है। जब हम हैकर की बात करते हैं तो इसमें कई तरीके के हैकर आते हैं, ब्लैक हैट हैकर, व्हाइट हैट हैकर, ग्रे हैट हैकर, जिसमें कुछ हैकर अच्छे होते हैं, कुछ हैकर बेकार होते हैं। लेकिन जब हम हैकर को क्रैकर के साथ में कंपेयर करते हैं तो हैकर शरीफ हो जाते हैं और क्रैकर बदमाश हो जाते हैं। समझ में आ गया? तो एक लाइन में सिर्फ ये याद रखिए कि हैकर है शरीफ इंसान जबकि क्रैकर है बदमाश इंसान, अब याद रहेगा। तो हैकर क्या है? द गुड पीपल हु हैक फॉर द नॉलेज पर्पस। कह रहा है एक बढ़िया सा इंसान, एक अच्छा इंसान जो हैक तो कर रहा है लेकिन नॉलेज पर्पस से, जबकि क्रैकर क्या है? एक ईविल पर्सन है, एक बदमाश कंपनी है, बदमाश पर्सन है, हु ब्रेक इनटू अ सिस्टम फॉर बेनिफिट, जो सिस्टम को अपने बेनिफिट के लिए तोड़ रहा है ना, ब्रेक कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है। तो हैकर और क्रैकर में डिफरेंस यही होगा जो आपके सामने है। नेक्स्ट, द बायोस एंड डैश कंटेन बेसिक इंस्ट्रक्शन दैट टेल द कंप्यूटर हाउ टू बूट अप। बायोस और डैश में बुनियादी निर्देश होते हैं जो कंप्यूटर को बताते हैं कि बूट कैसे किया जाए। मैं तो देखूंगा यहां पर बायोस, और मुझे पता है कि बायोस जहां पर स्टोर होते हैं वो रोम है, बायोस जहां पर रहते हैं वो क्या है? रोम। रोम में रहता है बायोस, तो आंसर हो गया रीड ओनली मेमोरी। ये कॉन्सेप्ट याद अगर अगर आपको होंगे तो पूरा क्वेश्चन पढ़ने की रिक्वायरमेंट भी नहीं होगी। देखा बायोस, लगा दो रोम। नेक्स्ट, व्हेन यू मॉडिफाई अ सर्टेन पीस ऑफ हार्डवेयर फॉर बेटर परफॉर्मेंस इट इज ऑफन रिफर टू एज। बताओ, जब आप बेहतर प्रदर्शन के लिए हार्डवेयर के एक निश्चित टुकड़े को संशोधित करते हैं तो इसे अक्सर क्या कहा जाता है? कई बार आप देखते हैं कि आपके घर में भी वॉशिंग मशीन खराब हो जाती है, आप उसको रिपेयर करने लगते हैं, या एसी आपका खराब हो गया तो आप सोचते हैं मैं ही इंजीनियर हूं, है ना, चलो मैं एक बार रिपेयर करके देख लेता हूं, है ना, पूरी कोशिश आप उसमें करते हैं कि वो बढ़िया हो जाए। या कई बार जब बाइक लेते हैं, है ना, तो उसमें शॉकर वॉकर लगवा के बढ़िया सी बाइक बना लेते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं? या कार ली सस्ती मत दी और उसमें इतना एडवांस कर लिया, है ना, कि वो बन गई बिल्कुल क्या बढ़िया वाली कार, आपकी हाई प्रोफाइल कार आपने बना ली, लेम्बर्गिनी, है ना। तो यहां पर क्या है? यहां पर आंसर होगा दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्वीकिंग। इसे क्या बोलते हैं गाइस? ट्वीकिंग बोलते हैं। जब भी आप किसी हार्डवेयर में कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं और उसे और बेहतर बना लेते हैं, दिस इज कॉल्ड ट्वीकिंग। जैसे कंप्यूटर में रैम है, आपने रैम के साइज को बढ़ा लिया, या उसमें जीपीयू यानी ग्राफिक कार्ड लगा लिया, या उसमें कुछ ऐसा किया कि उसकी परफॉर्मेंस बढ़ जाए, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्वीकिंग। नेक्स्ट, एज वेब ब्राउजर वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन विच वर्जन ऑफ द विंडोज। एज वेब ब्राउजर विंडोज के किस संस्करण में पेश किया गया था? वेरी फेमस क्वेश्चन। हम जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट का जो लेटेस्ट ब्राउजर है वो एज है, और इसको पेश किया गया था जिस वर्जन में, वो है विंडोज 10। विंडोज 10, 10 बहाने करके ले गई दिल, ले गई दिल, है ना। तो ऐसे याद रखिएगा कि एज का मतलब 10 होगा करेक्ट जवाब, विंडोज 10। एमएस वर्ड 2021 प्रेसिंग F8 की फॉर 3 टाइम्स। पूरी कोशिश है गाकर समझाकर आपको समझ में आए, है ना, ताकि आप गलत ना करें। तो जब हम किसी कड़ी के साथ में क्वेश्चन को जोड़ते हैं ना तो वो याद रहता है। तो अब ये आप भूलेंगे नहीं कि सचिन सर ने कहा था 10 बहाने करके ले गई दिल, यानी आंसर होगा एज का विंडोज 10। एग्री? चलो, एमएस वर्ड 2021 प्रेसिंग F8 की फॉर 3 टाइम्स सिलेक्ट। F8 की को अगर 3 बार दबाते हैं तो क्या होगा? F8 की को अगर 3 बार दबाते हैं तो सेंटेंस सिलेक्ट होगा। देखो सिलेक्ट शुरू है एस से, आंसर भी किससे होगा? एस से, यानी सेंटेंस, दैट इज द करेक्ट वन। अब F8 की IBPS को बहुत अच्छी लगती है, तो ये भी पूछ सकता है कि अगर F8 की को 2 बार दबाए क्या होगा? वर्ड सिलेक्ट होगा। 3 बार दबाए
सेंटेंस सिलेक्ट होगा, चार बार दबाएं पैराग्राफ सिलेक्ट होगा, पांच बार दबाएं पागल कहलाएंगे ऐसा नहीं है, पूरा डॉक्यूमेंट ही सिलेक्ट हो जाएगा। तो आप दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार दबा सकते हैं F8 को। नेक्स्ट, इट इज अ प्रोप्राइटरी ऑडियो वीडियो इंटरफेस फॉर ट्रांसमिटिंग अनकंप्रेस्ड वीडियो डेटा। कह रहा है यह असंपीड़ित वीडियो डेटा यानी अनकंप्रेस्ड वीडियो डेटा संचारित करने के लिए एक मालिकाना ऑडियो वीडियो इंटरफेस है। प्रोप्राइटरी मतलब मालिकाना। अब हमने देखा ऑडियो वीडियो, हम जानते हैं ऐसा ही एक इंटरफेस है जो ऑडियो वीडियो दोनों में बेहतर है, अनकंप्रेस्ड डेटा को शो करता है, वो है HDMI यानी हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। इसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भी याद रखिएगा कि HDMI 19 पिन का होता है, जो HDMI कनेक्टर है दैट कंसिस्ट ऑफ 19 पिन्स। ठीक, नेक्स्ट, ईथरनेट, मुझे मिल गया आंसर। मैंने देखा ईथरनेट और ऑप्शंस देखे, वायरलेस, ब्लूटूथ, ओपन, वायर्ड और हॉटस्पॉट। मैं अक्सर आपको बताता हूं ईथरनेट केबल, ईथरनेट का यूज हमेशा किसके लिए किया जाता है, केबल्स के लिए, और केबल हमेशा क्या होती है, वायर्ड होती है। तो मैं लगा दूंगा ईथरनेट देख के वायर, तो मैं पूरा क्वेश्चन भी नहीं पढ़ूंगा। तो इसीलिए मैं उन पॉइंट्स को भी हाईलाइट करता हूं, क्योंकि एग्जाम में आपके पास समय भी कम होता है, तो आपको सिर्फ क्वेश्चन समझना नहीं है, उसकी शॉर्ट ट्रिक भी समझनी है, ताकि 6-7 मिनट के अंदर अंदर आप कंप्यूटर के 40 क्वेश्चंस को कर पाए। अब पढ़ लेते हैं क्वेश्चन एक बार समझने के लिए। ईथरनेट इज द स्टैंडर्ड टू कनेक्ट कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क ओवर अ डैश कनेक्शन। ईथरनेट किसी नेटवर्क पर कंप्यूटर को डैश कनेक्शन पर कनेक्ट करने का मानक है। वायर्ड है ना, वायर्ड केबल, ईथरनेट केबल का मतलब वायर्ड केबल, केबल का मतलब ही वायर्ड होता है। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ इरेजिंग एंड री इनिशियलाइजिंग अ हार्ड डिस्क नोन एज। हार्ड डिस्क को मिटाने और पुनः आरंभ करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। अब मुझे अगर जल्दी इस क्वेश्चन को करना है तो मैंने देखा हार्ड डिस्क और इरेज करना। मैं जानता हूं कि हार्ड डिस्क को जब हम इरेज करते हैं तो इस प्रोसेस को फॉर्मेटिंग बोलते हैं। बिल्कुल सही आपने बताया आंसर, है ना। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा गाइज, फॉर्मेट करना। तो इस तरीके से जल्दी क्वेश्चन को पढ़िएगा और आंसर खोजिएगा। समझ में आ गया। तो जब हम किसी भी डिस्क को फॉर्मेट कर देते हैं, मतलब डेटा क्या हो जाता है, स्वाहा, इरेज, दैट इज फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट, अ डैश इज एन इंटरनल बस दैट कनेक्ट द सीपीयू टू द कैश मेमोरी। 36 और 37, इन दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा। फिर ये मत कहिएगा सर आपको पेपर पता था क्या, जब कह दिया मिलेगा तो मिलेगा। अब इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए। डैश एक आंतरिक बस है जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को एक कैश मेमोरी से जोड़ती है। बस मतलब केबल, सीपीयू और कैशे को जोड़ने के लिए जो बस का यूज किया जाता है वो क्या है। अब देखो दिया है सीपीयू और कैशे, दोनों जगह सीसी है, और सी के पीछे क्या आता है, बी, यानी बैक साइड बस होगा इसका करेक्ट आंसर। ये तो ट्रिक है, सी सी देख लिया और सी के पहले क्या आता है, बी, यानी बैक साइड बस इज द करेक्ट आंसर। अब ऐसे भी याद रखिएगा कि बैक साइड बस या बैक साइड केबल एक ऐसी केबल होती है जो सीपीयू को कैश मेमोरी से जोड़ती है। फिर से, सीपीयू को कैश मेमोरी से जोड़ने के लिए जो केबल है, जो बस है, वो है बैक साइड बस। तो 37 क्वेश्चन भी देख लेते हैं। वो बस, वो केबल कौन सी है जो सीपीयू को रैम से जोड़ती है। सीपीयू को रैम से जोड़ती है, रैम जो है वो फ्रंट पर खेलता है, सामने आकर, है ना। रैम एक इंसान है ऐसे मानिए आप, और ये फ्रंट पे आता है। फ्रंट मतलब फ्रंट साइड बस, या ऐसे याद रखिए, सीपीयू और रैम, रैम भगवान है यानी राम जी हैं, और इनको सामने से हम पूजा करते हैं, जय श्री राम। तो क्या होगा गाइस, फ्रंट साइड बस इज द करेक्ट वन, यानी सीपीयू और कैशे होगा,
तो बैक साइड बस होगा, और सीपीयू और रैम होगा तो फ्रंट साइड बस होगा, याद रहेगा? वेरी गुड। कह रहे हैं सर कितना याद रखें, लेकिन याद रहेगा, है ना? जब आप एग्जाम में जाएंगे ना तो आपको ये मेरी बातें याद आ रही होंगी, आप याद रख पाएंगे, है ना? ये मेरा विश्वास है। इन अ कंप्यूटर डैश स्टोर रिसेंटली यूज्ड इंफॉर्मेशन सो दैट इट कैन बी क्विकली एक्सेस्ड एट अ लेटर टाइम। एक कंप्यूटर में डैश हाल ही में उपयोग की गई जानकारी को संग्रहित करता है ताकि बाद में इसे तुरंत एक्सेस किया जा सके। रिसेंटली यूज्ड इंफॉर्मेशन जहां पर स्टोर होती है, हाल ही में उपयोग होने वाली इंफॉर्मेशन जहां पर स्टोर होती है, दैट इज कॉल्ड कैशे मेमोरी। दैट इज कॉल्ड कैशे मेमोरी। और कौन सी मेमोरी सबसे फास्टेस्ट है? रजिस्टर, उसके बाद कैशे, उसके बाद रैम। यानी सबसे फास्टेस्ट है रजिस्टर, दूसरे नंबर पर कैशे और तीसरे नंबर पर रैम। दिस अलाउ द कंप्यूटर टू शेयर द सेम आईपी एड्रेस। यह कंप्यूटर को समान आईपी पता साझा करने की अनुमति देता है। सेम आईपी एड्रेस को शेयर करने की परमिशन कौन देता है गाइस? डीएसएल, डीएनएस, नेट, वैट या टीसीपी आईपी? बताइए जल्दी से। करेक्ट आंसर है नेट। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन सेम आईपी एड्रेस को शेयर करने की परमिशन यानी अनुमति देता है। तो सेम आईपी एड्रेस के केस में आंसर क्या होगा? नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। वेरी गुड। और आखिरी क्वेश्चन, ओएलईडी इज अ टाइप ऑफ अ फ्लैट स्क्रीन। बहुत पॉपुलर है ओएलईडी स्क्रीन। एलईडी मतलब लाइट एमिटिंग डायोड। ओएलईडी का मतलब क्या है? ओएलईडी इज अ टाइप ऑफ अ फ्लैट स्क्रीन डिस्प्ले सिमिलर टू अ एलसीडी। व्हाट डज ओ स्टैंड फॉर इन ओएलईडी? ओएलईडी एलसीडी के समान एक प्रकार का फ्लैट स्क्रीन डिस्प्ले है। ओएलईडी में ओ का मतलब क्या है? क्या है बताइए? तो एलईडी मतलब लाइट एमिटिंग डायोड और ओ का मतलब ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। यानी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर फोर्थ। एलसीडी की फुल फॉर्म बताइए, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। सीआरटी की फुल फॉर्म बताइए, कैथोड रे ट्यूब। सीआरटी कैथोड रे ट्यूब। टीएफटी की फुल फॉर्म बताइए, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, है ना? टीएफटी स्क्रीन्स याद रखिएगा। तो इसी के साथ 40 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। आउट ऑफ 40 आपने कितना स्कोर किया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। अब आ रहे हैं बैक टू बैक आपके सामने दो क्वेश्चन जिनके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे, पहला क्वेश्चन, डैश इज अ वर्चुअल असिस्टेंट दैट इज अ पार्ट ऑफ एप्पल कंपनी आईओएस, आईपॉड, वॉच ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक ओएस, टीवी ओएस, ऑडियो ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम। डैश एक वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम है, वर्चुअल असिस्टेंट है, जो एप्पल के आईओएस, आईपैड ओएस, वॉच ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, टीवी ऑपरेटिंग सिस्टम और ऑडियो ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा है। अरे ये बताओ ना कि एप्पल का वर्चुअल असिस्टेंट या डिजिटल असिस्टेंट कौन सा है? एलेक्सा, बिक्सबी, आई एप्पल सिरी या आई वॉइस? बताइएगा। दूसरा क्वेश्चन, अमंग दीज नेम द ईमेल क्लाइंट। वेरी पॉपुलर क्वेश्चन। इनमें से ईमेल क्लाइंट का नाम बताइए। जीमेल, याहू, एमएस आउटलुक, एओएल या ऑल ऑफ दीज? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? दो क्वेश्चन हैं और दोनों के आंसर्स मुझे चाहिए कहां पर? कमेंट सेक्शन में। कैसा लगा आपको ये सेशन? पसंद आया हो तो एक बार लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कंप्यूटर में है किसी भी तरीके की दिक्कत तो ज्वाइन कर लीजिएगा इस कोर्स को। और कोर्स को ज्वाइन करने के लिए अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा गूगल प्ले स्टोर या आईओएस स्टोर की मदद से। और अगर है कोई भी कंफ्यूजन, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं डायरेक्ट व्हाट्सएप करके दिए गए नंबर पे। बस एक वादा करिए कि कंप्यूटर में सबसे ज्यादा स्कोर करके दिखाएंगे। और जो कहते हैं कि कंप्यूटर में 40 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन सही नहीं हो सकते,
उनको इस बार ये प्रूफ करके दिखाएंगे कि सचिन सर ने कहा है तो ये पॉसिबल है ना। अराउंड 35 क्वेश्चंस तो सही करेंगे इस बार और रिकॉर्ड बना देंगे, है ना, वादा करिए। बहुत मेहनत की है हमने आपके साथ। नेक्स्ट सेशन एक और रह गया है ना, उसमें अगेन हम लोग मिलेंगे बेस्ट 40 क्वेश्चंस के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ यू गाइस। थैंक यू वेरी मच।